मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में राज्यपाल लालजी टंडन विश्वविद्यालय का लोकार्पण करने पहुंचे और कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालय क्लीन और ग्रीन होने चाहिए। शहडोल विश्वविद्यालय के नए परिसर का लोकार्पण मंजू जीतू पटवारी और ओमकार सिंह उपस्थित रहे। राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा कि शिक्षा का स्तर को उठाने के लिए नई शिक्षा नीति में कठोरता आ रही है। नई नीति के अनुसार विश्वविद्यालय नहीं चले तो जिस गति से नए शिक्षा संस्थान खोला जा रहा है उसी गति से बंद भी होंगे। राज्यपाल लालजी टंडन शहडोल जिले के पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण समारोह में यह बात कही। श्री टंडन ने कहा कि विश्वविद्यालय किसी सरकार के अनुदान के ऊपर पूरा पूरा नहीं चल सकता, इसमें सभी का सहयोग चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि सभी विश्वविद्यालय क्लीन और ग्रीन होना चाहिए। सौर ऊर्जा से विश्वविद्यालय की बिजली उसके ही परिसर में ही उत्पन्न होनी चाहिए। पूरे परिसर में वृक्षारोपण होनी चाहिए। स्वच्छ और साफ वातावरण में शिक्षा के लिए बेहद जरूरी है। महामहिम ने कहा कि शहडोल विश्वविद्यालय जनजातियों के लिए समर्पित है। यहाँ उनकी परंपराओं और संस्कृति, भाषा और शोध के लिए शोधपीठ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज सारा देश अत्योदय की तरफ जा रहा है, ऐसे में विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि नई तकनीक के साथ पुरानी परंपरा और संस्कृति को सहेज कर रखें। राज्यपाल महोदय ने इस अवसर पर पंडित शंभुनाथ शुक्ल जी को याद करते हुए कहा कि पंडित जी के प्रति अन्याय होगा अगर कोई दूसरा इस विश्वविद्यालय के निर्माण का श्रेय लेगा। आज के दिन मेरी शुभकामना है कि जो आज विश्वविद्यालय का लोकार्पण हुआ, उसका नया भवन बना, कल ये और ज्यादा विस्तार होगा और जो हमारा उद्देश्य है कि दुनिया के स्तर पे यहाँ के नौजवान चलें, तो शिक्षा पद्धति हमारी ऐसी हो, यहाँ शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि दुनिया हमें ये ना कहना पड़े कि हम वहाँ विदेश से ये मंगा रहे हैं, बल्कि ये कहना पड़े कि विदेशों को भी हम ये दे रहे हैं कि अगर जनजातियों के लिए, आदिवासियों के लिए ये यूनिवर्सिटी समर्पित है तो फिर उनसे जुड़े हुए विषय पर शोधपीठ स्थापित कर, उनकी संस्कृति, कला और उनका परिश्रम, उनकी जो वन उपज की है जिसको हम लोग कभी गौर करते नहीं हैं,